डियर स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्टोग्राफी एंड द स्टडी ऑफ मैप। ये क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट वन है, पार्ट वन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया स्केल के बारे में, ठीक है। तो ये सेकेंड वीडियो है, यहाँ पर मैप के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। देखो, मैप का जो स्टडी होता है कार्टोग्राफी का आ जाता है। देखो, कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी इज द स्टडी एंड द मेकिंग ऑफ मैप, ठीक है। मैप बनाने का जो प्रोसेस यानी कि जो तरीका है, इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी, ठीक है। देखो, डेफिनेशन ऑफ मैप। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन ऑन ए पेपर अकॉर्डिंग टू स्केल। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो अर्थ सरफेस का किसी भी फीचर्स को, आप ड्रॉ कर रहे हो पेपर में अकॉर्डिंग टू स्केल, उसे कहा जाता है मैप, ठीक है। अब देखो, जैसे ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ये भी देखो अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब देखो, एक मैप का बेसिक एलिमेंट क्या क्या है? मैप टाइटल, मैप बॉर्डर, मैप सिंबल, मैप डायरेक्शन, स्केल, कलर एंड इंडेक्स, ठीक है। ये सभी बेसिक एलिमेंट है मैप का। अब देखो, ये सभी बेसिक एलिमेंट मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर नॉर्थ एरो है, ये डायरेक्शन दिखा रही है, ये डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रही है। अब देखो बॉर्डर, ये देखो मैप का बॉर्डर लाइन है, मैप का बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये मैप का बॉर्डर लाइन है। तो ये बॉर्डर, ये भी एक एलिमेंट है बॉर्डर, ठीक है। अब देखो स्केल, यहाँ पर है लीजेंड यानी कि इंडेक्स, इंडेक्स भी है। ये सभी मैप का एक बेसिक एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर टाइटल भी है, ठीक है। तो ये सभी मैप का एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ मैप, थ्री टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप। देखो फिजिकल मैप क्या है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफद अर्थ सर्फेस सच एज प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, रिवर, ओशियन। ये जब देखो फिजिकल मैप, फिजिकल मैप क्या है? जब मैप शो करते हैं सभी फिजिकल यानी कि नेचुरल फीचर्स को, जैसे रिवर, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, ठीक है, तब इसे कहा जाता है फिजिकल मैप। देखो यहाँ पर देखो, ये जैसे इंडिया का एक फिजियोग्राफिक मैप है, सभी फिजिकल फीचर्स को शो कर रही है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये नॉर्थन माउंटेन है, ये नॉर्थन माउंटेन है। अब ये देखो प्लेटू है, डेकन प्लेटू जैसे है, ये प्लेटू रीजन है, ये प्लेटू है, ये नॉर्थन माउंटेन है। देखो ये प्लेन रीजन है, ये प्लेन रीजन है। अब यहाँ पर देखो राजस्थान डिजर्ट है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। तो देखो सभी फिजिकल फीचर्स को शो कर रही है, तो इसे, तो ये क्या मैप होगा? फिजिकल मैप, ठीक है। देखो पॉलिटिकल मैप, जब देखो पॉलिटिकल मैप क्या है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन, विलेज, डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप में दिखाते हैं सिटी, कंट्री, विलेज, सभी के अलग अलग बाउंडर दिखाने के लिए पॉलिटिकल मैप का जरूरत है, ठीक है। जैसे देखो ये पॉलिटिकल मैप इंडिया है, इंडिया का देखो, ये इंडिया है, यहाँ पर देखो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में देखो एक पॉलिटिकल बाउंड्री दिखा रही है, ठीक है। ऐसे ही सभी कंट्री का अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्री है। और देखो इंडिया के, इंडिया के अंदर भी बहुत सारा, इंडिया के अंदर जितने सारे स्टेट है अलग अलग बाउंड्री है, ठीक है। और देखो स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग बाउंड्री है। तो देखो ये पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल बॉर्डर दिखा रही है ये, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल मैप है। जैसे देखो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, जैसे देखो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश है। इसके बीच में भी देखो एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है, इसके बीच में भी देखो एक लाइन है, स्टेट बाउंड्री, ठीक है। तो इस स्टेट का देखो अलग बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री सभी स्टेट का अलग अलग बाउंड्री है, इसे दिखाने के लिए पॉलिटिकल मैप का ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो थीमेटिक मैप क्या है? मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोडवे, रेलवे, रेनफॉल, टेम्परेचर, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज थीमेटिक मैप। अब देखो थीमेटिक मैप क्या है? थीमेटिक मैप में शो करते हैं किसी भी एक थीम को, जैसे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी का एक अलग अलग थीम को रिप्रेजेंट जिस मैप में करते हैं उसे कहा जाता है थीमेटिक मैप, ठीक है। अब देखो थीमेटिक मैप, जैसे यहाँ पर दिखा रही है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है? यूजेस ऑफ मैप, यानी कि मैप किस किस पर्पज़ यूज होता है? फॉर ट्रैवलिंग,
ट्रैवलिंग पर्पस तो यूज होता ही है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, तो मैप का ज़रूरत है, मैप के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, यूजेस फॉर प्लानिंग सिटी, किसी भी सिटी का प्लानिंग करना है तो मैप का ज़रूरत है। फाउंडिंग रिसोर्स के लिए भी ज़रूरत है, यूजिंग इन नेविगेशन, नेविगेशन के लिए भी तो ज़रूरत है ही। कलेक्शन इन्फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन, किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तब भी आपको मैप का ज़रूरत है। ठीक है, इट इज़ यूज ड्यूरिंग वॉर, ये देखो आर्मी लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फॉर हैजर्ड मैनेजमेंट के लिए भी मैप यूज होता है। शोइंग लैंडफॉर्म, पॉलिटिकल बाउंडरीज, पॉलिटिकल बाउंडरीज लैंडफॉर्म तो दिखाती है ऑलरेडी, प्लेन प्लेटू ये सब कुछ तो दिखा रही है मैप में। ठीक है, तो इस पर्पस भी मैप यूज होता है। सो थैंक यू। ठीक है।